हेलो एवरीवन, सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कम्प्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन चुनें। पहला है, सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती है। दूसरा है, सरल समाजों में मात्र प्रदत्त परिस्थिति होती है। तीसरा है, जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति होती है। चौथा है, माता पिता एक अर्जित परिस्थिति हैं। अब यहाँ पर बताइए कि कौन सा सही है। स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, दो बार इस टॉपिक पर क्लास ली जा चुकी है, अभी जल्द ही में क्लास भी हुई थी। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, बताइए सही क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए, सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती है और माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरल समाजों में मात्र यह कहना कि प्रदत्त परिस्थितियाँ होती हैं, ये गलत होगा, और जटिल समाजों में मात्र सिर्फ अर्जित ही परिस्थिति होती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सही चुनना था, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका, इन दोनों का संयुक्त रूप से जो अध्ययन था, व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया था, वो रॉल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में किया था सबसे पहले। ठीक है, और इन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। और स्टेटस एंड रोल, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स की जो अवधारणाएँ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में अभी जल्द ही क्लासेस ली गई थी, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी अभी जल्द ही सॉल्व कराया गया था। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी समय पहले भी क्लास ली गई थी, तब स्टेटस, रोल एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया था। तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड दो बार क्लासेस ली जा चुकी हैं, है ना, और फोल्डर में आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या जिन्होंने क्लासेस नहीं की हैं, नहीं देखी हैं वीडियोस, वे ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर से देख लीजिए। देखिए, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से भी बनता है कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर क्या है। तो अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो प्रदत्त जो परिस्थिति होती है वह व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थिति की बात करी जाए तो व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर है, क्योंकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति इसे अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, और जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो व्यक्ति को अपने आप ही जन्म से मिल जाती है। जैसे कि कास्ट सिस्टम, जेंडर, है ना, ये व्यक्ति को अपने आप ही मिल रही है जन्म से, तो ये हो जाएगा। और एक तो ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं इसे कि जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो स्थायी होती है, और जो अर्जित परिस्थिति होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, आगे से और भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। पहला है, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता है और भूमिका स्थिर होती है। एंड लास्ट है, भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। चलिए बताइए क्या सही है यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर सही, भूमिका एक ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक अपनी परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, दूसरा कह रहा है भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, तीसरा है भूमिका स्थिर है, चौथा कह रहा है भूमिकाओं के निर्वहन से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है, सही बताना है। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि भूमिका एक ऐसा कार्य होता है जिसे व्यक्ति अपनी प्रस्तुति के अनुरूप निभाता है, पूरा करता है। और ये कहना गलत होगा कि भूमिका का प्रस्तुति से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये सहस्तित्व में होती है, भूमिका स्थिर है, ये भी गलत होगा, भूमिकाओं में भूमिका में गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, भूमिकाओं के निर्वहन से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएँ पूरी होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमिका प्रस्तुति में ही निहित होती है, सहअस्तित्व में होती है, और प्रस्तुति से अलग करके अगर हम भूमिका की बात करें या उसको समझाना चाहे या समझना चाहे तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। भूमिका क्या है, प्रस्तुति का ही गतिशील पहलू है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये बुक किसकी है। देखिए इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी की जो बुक्स हैं वो पहले ही कंप्लीट कराई जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए बुक्स कंप्लीट कराई गई हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड हाँ, काफ़ी हैं बुक्स, तो इसे आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डेली याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बुक किसकी है, डीपी मुखर्जी की है, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस बुक के अलावा अगर हम और भी बुक्स इनकी बात करें बुक्स की, तो एक बुक हो जाएगी पर्सनालिटीज़ एंड द सोशल साइंस, पर्सनालिटीज़ एंड द सोशल साइंस। फिर नेक्स्ट बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, ये एक हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बुक आती है मॉडर्न इंडियन कल्चर, बुक का नाम क्या है, मॉडर्न इंडियन कल्चर। फिर नेक्स्ट बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ये एक इनकी बुक हो जाएगी। फिर एक बुक आती है व्यू एंड काउंटर व्यूज, व्यू एंड काउंटर व्यूज, ये हो जाएगी, डाइवर्सिटीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये सारी बुक्स डीपी मुखर्जी की हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, सभ्यता को संस्कृति का जटिल और विकसित रूप इनमें से किसने कहा है। ऑप्शंस है गिलिन एंड गिलिन, ऑगबन, समना, डेविस। गिलिन एंड गिलिन, ऑगबन, समना, डेविस ऑप्शंस हैं, राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर। सभ्यता को संस्कृति का जटिल और विकसित रूप कहने वाले कौन हैं, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, गिलिन एंड गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी बुक थी, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल प्रोसेस के भी इन्होंने टाइप बताए थे, तीन तरह की सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी इन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं, पहला है सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। अब इन कथनों में से कौन सा सही है कथन, ये यहाँ पर बताना है, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। सही क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, अवधारणाएँ, पहली क्या दी गई है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी, लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व, क्लूकॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र, विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान, हॉबेल।
यहाँ पर सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट को कहा जा रहा है, क्या ये सही है? संस्कृति के दो तत्वों प्रकट और अप्रकट तत्वों की बात क्लुखॉन ने की है, क्या ये सही है? सांस्कृतिक क्षेत्र का कॉन्सेप्ट जो है अवधारणा वो विस्लर की है, ये सही है? या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है वो हॉबेल ने दी है, सही क्या है बताइए? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सिक्स्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट बिल्कुल सही है, संस्कृति के प्रकट और अप्रकट तत्वों की बात क्लुखॉन ने की है, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा भी विस्लर की है, एंड सांस्कृतिक प्रतिमान का जो कॉन्सेप्ट है वो हॉबल ने नहीं दिया था बल्कि रूथ बेनेडिक्ट का है, ठीक है? कल्चरल पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो रूथ बेनेडिक्ट का है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी बुक पैटर्न ऑफ कल्चर में संस्कृति जो सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है वो दी थी, और इन्होंने तीन जनजातियों पर अध्ययन किया था, जूनी, क्वैक्टुअल और दोब्यून। याद आ रहा है, जूनी, क्वैक्टुअल, दोब्यून, इन तीन जनजातियों का, इन तीन ट्राइब्स का अध्ययन किया था रूथ बेनेडिक्ट ने, और एक अवधारणा भी दी थी, वन कल्चर वन पर्सनैलिटी, एक संस्कृति और एक व्यक्तित्व, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा दी थी रूथ बेनेडिक्ट ने, ठीक है? और इनका ये भी कहना था संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि यूँ कहा जाए अगर कि संस्कृति व्यक्ति को प्रभावित करती है, ठीक है? ये किसका कहना है? रूथ बेनेडिक्ट का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किससे संबंधित है या इसका अर्थ क्या है। ए क्या कह रहा है? यह मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। बी कह रहा है, यह तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित हैं। सी कह रहा है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन निरपेक्ष पदों में हो सकता है। डी कह रहा है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां कुछ सार्वभौमिक तत्वों में एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा सेवेंथ का? प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन जब उसी संस्कृति के मूल्यों मानदंडों के संदर्भ में होता है तो उसे हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं, और ये ठीक अवधारणा इसके विपरीत निर्जाति केंद्रवाद की। निर्जाति केंद्रवाद में क्या होता है? व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के मूल्यों मानदंडों विचारों के अनुरूप दूसरी संस्कृति का मूल्यांकन करता है, और निष्कर्षतः वो यह पाता है कि जो दूसरी वाली संस्कृति है वो निम्न कोटि की है और उस व्यक्ति की जो संस्कृति है वो उच्च है, अच्छी है। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये जो अवधारणा है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की वो किसके विपरीत है, तो निर्जाति केंद्रवाद की है, और ये जो अवधारणा निर्जाति केंद्रवाद की है वो समना ने दी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, अपराधियों की बात आ रही है, क्राइम, क्राइम इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से लोग नए जुड़ रहे हैं या जिन्होंने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन में पूछा जा रहा है, जो अपराधियों का वर्गीकरण किया था लोम्ब्रोसो ने उसमें से कौन सा नहीं है सही, ठीक है? किसकी बात लोम्ब्रोसो ने नहीं कही। ऑप्शंस दिए गए हैं, जनजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी या फिर पेशेवर अपराधी। किस अपराधी की बात उन्होंने नहीं की है, सही क्या होगा यहाँ पर बताइए? सब कराया गया है, इसमें सही क्या नहीं है, कौन सा गलत है?
देखिए, चार तरह की अपराधियों की बात की थी। एक तो जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आवेग युक्त अपराधी और आकस्मिक अपराधी। पेशेवर अपराधी की बात नहीं की थी, इसके जगह क्या हो जाएगा, आवेग युक्त अपराधी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, ऑप्शन है 1990, ठीक है, 1990, 1992 या फिर 1993। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन पूछा जा रहा है कब हुआ था। ठीक है, आने वाली जो आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें सोशियोलॉजी प्लस जीएस के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी एंड जीएस इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था। सेल्फ डेवलपमेंट के रेफरेंस में किसने इनमें से आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं एस फ्रायड, सी एच कूले, एच एम जॉनसन, जी एच मीड। एस फ्रायड, सी एच कूले, एच एम जॉनसन, जी एच मीड ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है। ऑप्शंस दिए गए हैं दरिदा, एंथोनी गिडेंस, अल्थ्यूजर, हेबरमास। दरिदा, गिडेंस, अल्थ्यूजर, हेबरमास ऑप्शंस हैं। आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट इनमें से कौन समझता है। इनका ये भी कहना था कि जब तक हम आधुनिकता को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हमें उत्तर आधुनिकता की बात नहीं करनी चाहिए, उत्तर आधुनिकता के बारे में हमें विचार भी नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हेबरमास हो जाएगा। हेबरमास ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कहना है कि समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। ऑप्शन है रूटर, जीडीएच कोल, लेपियर, राइट। जो सोसाइटी है, समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है, यह किसका कहना है। सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीडीएच कोल। जीडीएच कोल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण लोक समाज एवं नगरीय समाज में किया। इनमें से किसने सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन है वो लोक समाज और नगरीय समाज, फोक सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी में किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, डेविड रिजमैन, रॉबर्ट लॉबी। हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, डेविड रिजमैन, रॉबर्ट लॉबी ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, सही क्या होगा यहाँ पर, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने जो और कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया गया है, एक बार कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। पीजन सोसाइटी, कृषक समाज की अवधारणा इनकी है, लघु समुदाय की अवधारणा दी हुई है, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा इनकी हो जाएगी, लोक समाज की अवधारणा दी है जिसे फोक सोसाइटी बोला जाता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दी हुई है
फोक कल्चर, लोक संस्कृति की अवधारणा, ठीक है। तो ये सारी अवधारणाएं इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, और रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को सफ़ेद पोश समाज कहा? उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात हो रही है, उत्तर औद्योगिक समाज को सफ़ेद पोश समाज इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस हैं विलियम गुडे, टॉफलर, कॉल पॉपर, डेनियल बेल। क्या होगा यहाँ पर सही? विलियम गुडे, टॉफलर, कॉल पॉपर, डेनियल बेल ऑप्शंस हैं। उत्तर औद्योगिक समाज को सफ़ेद पोश समाज इनमें से किसने कहा है? राइट आंसर विलियम गुडे हो जाएगा। विलियम गुडे ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यवसाय की बात हो रही है। ट्राइबल्स, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में क्लासेस ली गई हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। ट्राइबल सोसाइटी नाम से फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर में सारे वीडियोस मिल जाएगी। दो ही वीडियो हैं, ठीक है, दो ही क्लास ली गई थी। एक तो क्लास इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड थी और दूसरी जो क्लास थे इंपॉर्टेंट MCQs जो इसके थे वो कम्प्लीट कराए गए थे। तो उसमें ये सब बताया गया था, है ना, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, जनजातियों से संबंधित विद्वानों का क्या कहना है, उनके क्या विचार रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो पॉलिसीज़ की बात की गई थी वो किसने की हुई है, वो कौन सी है और किसने की है। इसके अलावा उन जनजातियों के जो युवा ग्रह हैं उनके बारे में बात हुई है, कौन सा विवाह का स्वरूप पाया जाता है, ये सभी बातें वहाँ पर बताई गई थी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड क्लास जो हुई थी वो इन्हीं से रिलेटेड जो MCQs बनते हैं उनसे रिलेटेड हुई थी। तो वहाँ यहाँ पर पूछा जा रहा है जो दो जनजातियाँ हैं बिरहोर खरिया, इसके व्यवसाय की बात पूछी जा रही है, कौन सा व्यवसाय ये करती थी, भोज्य या यूँ कहा जाए इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, भोज्य पदार्थ संग्रह, खेती बाड़ी, कुटीर उद्योग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर, सही यहाँ पर क्या होगा? भोज्य पदार्थ संग्रह, भोज्य पदार्थ संग्रह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर संकटग्रस्त जनजातियों की बात की जाए कि कौन कौन सी जनजातियाँ संकटग्रस्त अवस्था में हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी की टोडा जनजाति हो जाएगी, कोटा जनजाति हो जाएगी, उराली जनजाति, है ना, उराली, लेपचा जनजाति हो जाएगी, राजी जनजाति, ओंगे जनजाति, जारवा जनजाति और शोम्पेन जनजाति। ये सारी जनजातियाँ क्या हैं, संकटग्रस्त अवस्था में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? ऑप्शन है संथाल, मुंडा, थारू, हो जनजाति। इस तरीके का प्रश्न नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होगा यहाँ पर सही, कौन सी जनजाति, इनमें से कौन सी जनजाति है जिसके लोग वर्षा करने के लिए, वर्षा हो इसके लिए वे आग जलाते हैं जिससे धुआं निकलता है, और उनका ये मानना होता है कि ऐसा करने से आसमान में बादल छा जाएंगे और बारिश होगी। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जनजाति, हो जनजाति जिस पर DN मजूमदार ने अध्ययन किया था, है ना, स्टडी की हुई थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं, किस उपागम के द्वारा मैकिम मेरेट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की है? ऑप्शंस दिए गए हैं आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किस उपागम के द्वारा
मैकिम बेरेट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की। स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की जो प्रक्रिया है इसको भी कराया गया था कंप्लीट। इसे भी आप लोग गोल टू सक्सेस नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगी। चूंकि एक वीडियो है तो इसे फोल्डर में नहीं रखा गया। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा, कल्चरल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं बोगार्डस, जिन्सबर्ग, होम्स, मर्टन। बोगार्डस, जिन्सबर्ग, होम्स, मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? उद्देश्य को प्राप्त करके, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब लोग एक साथ मिल करके कार्य करते हैं उसे समिति इनमें से किसने कहा है? समिति की बात की जाए तो समिति कैसा है, व्यक्तियों का संकलन है या व्यक्तियों का संगठन कह लिया जाए, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, मूर्त है समिति। ठीक है, निश्चित और इसके सामान्य उद्देश्य होते हैं, विचार पूर्वक यानी सोच समझ करके इसकी स्थापना की जाती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है यानी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति इसका सदस्य रहता है। तो यहाँ पर ये जो कहना है वो किसका है, बोगार्डस का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं की सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। सारे वीडियोस उस फोल्डर में मिल जाएंगे सोशलाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर कौन सही तरीके से समाजीकरण को परिभाषित कर रहा है, समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं की को सीखने की प्रक्रिया है। जो समाजीकरण है वो सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की एक क्या है, प्रक्रिया है। और जॉनसन का ये भी कहना था कि सभी तरीके का जो सीखना होता है या यूँ कहा जाए सभी तरह का जो शिक्षण होता है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ऐसा व्यवहार जिसे समाज के द्वारा मान्यता मिली हुई है, समाज द्वारा वो सम्मत व्यवहार है, जब व्यक्ति ऐसे व्यवहार को सीखता है तो उसको ही हम सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण कहते हैं। याद रखिएगा ये जॉनसन ने भी कहा है, ये बात किसने कही है, जॉनसन ने कही है। आगे देखते हैं, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, ये किसका एक उदाहरण है? ऑप्शंस दिए गए हैं समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, सही क्या होगा यहाँ पर? कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, इसे क्या कहेंगे, पुनर्समाजीकरण कहेंगे, सॉरी प्रत्याशित समाजीकरण कहेंगे। ठीक है, प्रत्याशित समाजीकरण कहेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ठीक है, वो किसकी है, मर्टन की है। मर्टन ने ये अवधारणा दी है, ठीक है, मर्टन की ये अवधारणा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया।
यानी कि जो ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है, समूह का जो वर्गीकरण किया है, वो संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर इनमें से किसने किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पेंसर, दुर्खीम, सैडरसन, गुडे। स्पेंसर, दुर्खीम, सैडरसन, गुडे ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? इनमें से किसने संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया है? देखिए, सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, सोशल ग्रुप, ठीक है। उसमें ये सभी बताया गया था कि किसने समूह के कितने प्रकार बताए थे, कौन से थे, उनका आधार क्या था, समूह से संबंधित जो अवधारणाएं थी वो भी बताई गई हैं, काफी डिटेलिंग में बताए गए हैं फैक्ट्स। बताइए, स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुप्स के का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है? राइट हो जाएगा सैडरसन। सैडरसन ने किया था, तीन तरह के बताए थे, ठीक है। कितने बताए थे? तीन तरह के बताए थे। एक तो बताया था उन्होंने ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक समूह बता दिया था, फिर बताया था अनैच्छिक वाला, ठीक है, और थर्ड बताया था प्रतिनिधिक, ठीक है। ऐच्छिक समूह सेकंड हो जाएगा, अनैच्छिक समूह, और फिर थर्ड जो हो जाएगा वो प्रतिनिधिक हो जाएगा। ये समूह बताए थे उन्होंने, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह, प्रतिनिधिक समूह। किसने बताए थे? सैडरसन ने बताए थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा अगर वार्ड की बात की जाए तो उन्होंने दो तरह के समूह की बात की थी, ऐच्छिक या अनैच्छिक। याद रखिएगा, वार्ड का दो है, ऐच्छिक या अनैच्छिक, या अनैच्छिक की जगह पर अनिवार्य भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, ठीक है। बात वही है, ऐच्छिक या इसे हम ऐच्छिक एक हो जाएगा और दूसरा अनिवार्य या अनैच्छिक। तो ये वार्ड की है। सैडरसन ने इसमें एक और जोड़ दिया है, और वो जोड़ दिया है प्रतिनिधिक समूह, ठीक। और मिलर ने क्या बताए थे? दो बताए थे, एक उद्रक बताया था और दूसरा क्षैतिज समूह, उद्रक समूह और क्षैतिज समूह, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है, क्वाइसी ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। सिनेमा देखते लोग, बस का इंतजार करते लोग, रेल में यात्रा करते लोग, ऑफिस में काम करते कर्मचारी, अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। ये सब कराया गया है, सोशल जो ग्रुप की क्लास ली गई थी उसमें ये सब कराया गया था। अर्ध समूह होता क्या है, किसकी अवधारणा है, एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया था, और कई बार ऐसे भी प्रैक्टिस जो क्लासेस इधर की हुई हैं उनमें भी बताया गया है। बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए। सही क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है अर्ध समूह का, या जिसे क्वाइसी ग्रुप या आभासी समूह भी कहा जाता है, अर्ध समूह और आभासी समूह दोनों एक ही है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का है। किसका है? जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का है, ठीक है। इसमें निश्चित जो संगठन है, ठीक है, उसका अभाव होता है। लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होते कि वे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो जागरूकता का अभाव है, और पूर्ण जो संगठन है उसका भी अभाव पाया जाता है ऐसे समूहों में। और यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑफिस में काम करते कर्मचारी, उनमें तो जागरूकता आ ही जाएगी, है ना, एक जगह काम कर रहे हैं वो। यहाँ पर सिनेमा देखते हुए लोग, बस का इंतज़ार करते हुए लोग, रेल में यात्रा करते लोग, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? एग्जाम्पल उदाहरण अर्ध समूह के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है। किसका कहना है कि जो समाजशास्त्र है वो समूह का विज्ञान है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉनसन, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स। जॉनसन, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर?
समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है, ये किसका कहना है? जॉनसन का कहना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेथ ऑफ द फैमिली। अब ये बुक किसकी है? द डेथ ऑफ द फैमिली, ऑप्शन है डेविड कूपर, लीच, रेमेंडफोर्थ, एल्मर। डेविड कूपर, लीच, रेमेंडफोर्थ, एल्मर ऑप्शंस दिए गए हैं। बुक का नाम है द डेथ ऑफ द फैमिली। सही क्या होगा यहाँ पर? डेविड ग्राम कूपर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सारी बुक्स जो सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट कराई गई थी बुक्स एंड ऑथर्स में, उसमें ये भी बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है या कहना है। ऑप्शन है स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले। परिवार को किसने फैक्ट्री कहा था बताइए? परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है। स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा। एकांतिक नाभिकीय परिवार, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली का ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने ही दिया है, पार्सन्स ने। इसके अलावा संस्थाकरण की भी अवधारणा या एक दूसरी अवधारणा का नाम क्या है? द्वितीयक संस्था, है ना। द्वितीयक संस्था, संस्थाकरण की अवधारणा, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, एकांतित नाभिकीय परिवार, ये सारी अवधारणाएँ पार्सन्स की हैं। पार्सन्स की सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में तीन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, योगदान रहे हैं। पहला तो है सोशल सिस्टम के बारे में, सामाजिक व्यवस्था। दूसरा क्या है इनका? सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। एंड जो तीसरा लास्ट है वो क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है वो फंक्शनलिज्म पर रहा है, प्रकार्यवाद पर रहा है। और इनके अगर कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो पहली कौन सी हो जाती है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन हो जाएगी। सेकेंड जो बुक है एसेस ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी, एसेस ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी। फिर थर्ड बुक आती है द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट बुक हो जाएगी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये हो जाएगी एक बुक। फिर एक बुक आती है इनकी सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। एंड फिर एक बुक और आती है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी पार्सन्स की, इन्हें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसने कार्य स्थान व लोग के आधार पर परिवार के चार प्रकार बताए हैं? परिवार के इन चार टाइप्स की बात किसने कार्य स्थान व लोग के आधार पर की है? अब कौन कौन से परिवार हैं? शाखा परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार, अस्थाई परिवार, विशिष्टीकृत परिवार। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं जीपी मर्डॉक, लिंटन, फेडरिक लिपले, लॉकवुड। मर्डॉक, लिंटन, फेडरिक लिपले, लॉकवुड ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये नेट के पेपर में कई बार क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था कार्य स्थान व लोक के आधार पर परिवार की बात किसने की है। तो यहाँ पर फेडरिक लिपले होगा। ठीक है, फेडरिक लिपले होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है? ऑप्शन है मर्डॉक, मॉर्गेन, ब्रिफॉर्ड, लूसीमेयर। मर्डॉक, मॉर्गेन, ब्रिफॉर्ड, लूसीमेयर ऑप्शन दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह किसने कहा है?
जीपी मर्डॉक ने कहा है। किसने कहा है? जीपी मर्डॉक ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीपी मर्डॉक की बुक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। आप लोगों को कई बार बताया गया है, इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और उन सभी समाजों में उन्होंने ये पाया था कि जो परिवार नाम की संस्था है, या यूँ कहा जाए कि जो नाभिकीय परिवार की संस्था है, वो हर समाजों में इन्हें देखने को मिली थी। और इसलिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि जो परिवार नाम की संस्था है वो सार्वभौमिक है, हर समाज में परिवार नाम की संस्था पाई जाती है। और उन्होंने चार प्रकार भी बताए थे, फंक्शंस भी बताए थे। फैमिली वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था तो वहाँ पर ये सारी बातें काफ़ी डिटेलिंग में बताई थी। ठीक है, तो जिसने भी ना देखा हो, फैमिली वाला जो क्लासेस हुई थी, फैमिली वाली जो वीडियोज़ हैं, जिन्हें नहीं देखा है, ठीक है, तो वो सभी आप सभी प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर आपको फैमिली नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा है कि भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं लिंटन, नाडेल, मर्टन, लेविस्ट्रॉस। लिंटन, नाडेल, मर्टन, लेविस्ट्रॉस ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, इनमें से किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? मर्टन होगा। ठीक है, मर्टन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट किंग मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित भूमिका की अवधारणा है। ऑप्शंस दिए गए हैं नाडेल, न्यूकॉम, मर्टन, गॉफमैन। नाडेल, न्यूकॉम, मर्टन, गॉफमैन ऑप्शंस हैं। निर्धारित भूमिका की अवधारणा किसकी है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? स्टेटस एंड रोल, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर ये सभी बताया गया था। किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, निर्धारित भूमिका किसे कहते हैं, ये भी बताया गया था। किसकी है? न्यूकॉम की अवधारणा है। निर्धारित भूमिका न्यूकॉम की अवधारणा है, न्यूकॉम का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो तरह की भूमिकाओं की इन्होंने बात की थी, भूमिका के प्रकार दो बताए थे, एक तो निर्धारित भूमिका और दूसरा व्यवहारिक भूमिका। एक निर्धारित भूमिका, दूसरी व्यवहारिक भूमिका। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक प्रस्तुति नहीं है कहलाती है। ऑप्शन है दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, भूमिका व्यवहार, बुनियादी भूमिका। क्या होगा यहाँ पर सही? दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, भूमिका व्यवहार या फिर बुनियादी भूमिका। किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक प्रस्तुति नहीं है, ये क्या कहलाएगी? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? प्रतिनिधि भूमिका। ठीक है, प्रतिनिधि भूमिका होगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सभी कराया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? संस्कृति को मानव प्रजाति की स्मृति किसने कहा? ऑप्शंस हैं रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेड। रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेड ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, यह किसका कहना है? सही क्या हो गया यहाँ पर?
रॉबर्ट बियरस्टेड, रॉबर्ट बियरस्टेड द सोशल ऑर्डर इनकी बुक है, ये बुक भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, द सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व। जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं तब ये क्या कहलाएंगे, तब इन्हें क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा बताइए, सब कराया गया है, गलत नहीं होना चाहिए, अगर इसमें भी गलत हो रहा है तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सही क्या होगा? सांस्कृतिक सकुल, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर की स्टडी के दौरान किया था? अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था, इनमें से किसने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग किया था बताइए। ऑप्शंस है ऑकबर्न पार्सन्स बेटसन विस्लर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इनमें से किसने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर की स्टडी के दौरान किया? सांस्कृतिक क्षेत्र ये भी बताया गया है, जब कल्चर वाला अभी क्लास ली गई थी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट भी कराया गया था कि जो कल्चर, जो सांस्कृतिक क्षेत्र है वो अवधारणा है किसकी, सांस्कृतिक क्षेत्र होता क्या है। तो किसी भी एरिया में जब कोई संस्कृति जन्म लेती है, उसका विकास वहाँ पर जन्म होता है उस एरिया में, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। और एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में हम देखते हैं तो जो संस्कृति होती है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है, उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर विस्लर हो जाएगा, विस्लर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लुखोन, ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर हॉबल नहीं होगा, है ना, बताया था अभी, रूथ बेनडिक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावेवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? विकल्प जो दिए गए हैं, हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस सी दुबे, लिंटन। हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस सी दुबे, लिंटन ऑप्शन दिए गए हैं। संस्कृति अधिवैतिक या अधिसावेवी है, ये किसका कहना है? संस्कृति को अधिसावेवी व अधिवैतिक इनमें से किसने कहा था? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस सी दुबे, लिंटन ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ होगा क्रोबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग है, बुक्स दी गई हैं, प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी, ये सारी बुक्स आप लोगों को कंप्लीट कराई गई थी, इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी की जो बुक्स एंड ऑथर्स वाली जो क्लासेस ली गई थी उसमें सारी बुक्स कराई गई थी। प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी ऑप्शंस, ये सारी बुक्स दी गई हैं, इनमें से ऑप्शन राइट क्या होगा?
प्रिमिटिव कल्चर हो जाएगी टाइलर की, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी हो जाएगी ये सोरोकिन की, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये हो जाएगी रॉबर्ट रेडफील्ड की, कल्चर एंड सोसाइटी ये मैरिल एंड एल्ड्रिस की हो जाएगी, ठीक है, मैरिल एंड एल्ड्रिस की हो जाएगी कल्चर एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है, समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता, सहयोग, ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए जब सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था तो उसमें ये सभी कराया गया था, जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं वे सभी प्लेलिस्ट जाइएगा, वहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फोल्डर मिल जाएगा, सोशल प्रोसेस के नाम से, सामाजिक प्रक्रिया के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। गिलिन एंड गिलिन, जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया गया है, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के तीन प्रकार बताए थे, एक तो था समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरा था असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है, इसके जगह सहयोगी की जगह पर संगठनात्मक भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। ठीक है, सहयोगी की जगह पर संगठनात्मक प्रक्रिया भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों एक ही है। यहां पर कौन सा एक टाइप नहीं है, तो यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जिसे कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के सारे सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, प्रतियोगिता किस में आ जाएगा, असहयोगी वाले में आ जाएगा। ठीक है, असहयोगी या असंगठनात्मक या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगिता के अलावा अगर और भी हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, विरोध आ जाएगा, है ना, विद्रोह आ जाएगा, प्रतिकूलता आ जाएगा, संघर्ष आ जाएगा, ये सभी इसमें आ जाएंगे असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार स्वजातीयवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है, स्वजातीयवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है ये किसका कहना है, ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, एलेकोजर, किंग्सले डेविस, सी डब्ल्यू मिल्स। कार्ल मार्क्स, एलेकोजर, किंग्सले डेविस, सी डब्ल्यू मिल्स हैं, यहाँ पर क्या होगा सही, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, स्वजातिवाद को संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार किसने माना है इनमें से, किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, और किंग्सले डेविस इन्होंने अपने जितनी भी स्टडीज की थी उसमें फंक्शनल अप्रोच को यूज़ किया था, प्रकार्यात्मक परिपेक्ष को अपनाया था किंग्सले डेविस ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्भरता का कारण है, निर्धनता होगा, ठीक है, निर्धनता, ऑप्शंस है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या फिर ये सभी, इनमें से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मत व्यक्त किया है कि संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है, ज्वाइंट फैमिली को इसने, इनमें से किसने आधारशिला बताया जिस पर हिंदू सामाजिक जो संगठन है वो निर्मित है, बना हुआ है, ऑप्शंस है राधा कृष्णन, पी एन प्रभु, पी वी काणे, के एम पाणिकर, क्या होगा सही, सही क्या होगा, पीएन प्रभु होगा, पीएन प्रभु होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब फैमिली से रिलेटेड इंपॉर्टेंस बुक्स की अगर बात करी जाए तो एक बुक आती है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी, के एम कपाड़िया की हो जाएगी, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के एम कपाड़िया की हो जाएगी। फिर एक सेकेंड बुक आती है फैमिली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, ये किसकी हो जाएगी, एम एस गोरे की हो जाएगी।
ठीक है, फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, ठीक है, ये टीएन मदान की सुना होगा आप लोगों ने, है ना, नेट के एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है, फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, टीएन मदान की है। फिर सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, आईपी देसाई की, सभी बताई गई हैं, इन सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में अक्सर पूछ लिया जाता है एक साथ ही, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पर पी एन प्रभु ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? ऑप्शंस है अगस्त कॉम्प्ट, दुर्खीम, सीमेल, वेबर। अगस्त कॉम्प्ट, दुर्खीम, सीमेल, वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा इसमें से? व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की बात किसने की है? अगस्त कॉम्प्ट, दुर्खीम, सीमेल, वेबर ऑप्शंस हैं, सही क्या होगा यहाँ पर? व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की बात दुर्खीम ने की है, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? चलिए देखते हैं, नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन या फिर एक सजातीय संगठन, कौन सा एक संगठन है जो कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? तो औद्योगिक संगठन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास, ल्यू ड्यूमो, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? वैविध्य परंपरा की जो अवधारणा है वो इनमें से किसने दी है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? छह तरह की परंपराओं की बात की थी, बहुल परंपरा जिसे बोलते हैं हम, बहुल परंपरा की अवधारणा इस तरीके से बताया गया था आप लोगों को। एससी दुबे, श्यामाचरण दुबे, है ना, श्यामाचरण दुबे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, जिसमें कि उन्होंने जो छह परंपराओं की बात की थी, एक राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा, स्थानीय परंपरा, है ना, स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा, ये सभी तरीके की बताई थी ना, छह तरह की बताई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? वही है, ये रिपीट हो गया है, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? जो रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी जो विशेषताएं बताई थी, वो एक कौन सी नहीं है वो बताना है, किस एक की बात इन्होंने नहीं की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता। विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता ऑप्शंस है, क्या हो जाएगा, सही क्या होगा यहाँ पर? विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता ऑप्शंस हैं, सही क्या है यहाँ पर? लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता की बात की थी, विजातीयता की बात नहीं की थी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ठीक है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, ये इन विशेषताओं की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की थी लिटिल कम्युनिटी में, जब अपना इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और गांव को एक जो लघु समुदाय है उसका उदाहरण बताया था, है ना, और लघु समुदाय को जन्म से लेकर या फिर इस तरीके से आता है पालने से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है,
लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, या लघु समुदाय पालने से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। ये इस तरीके से आता है कि किसका कहना है, किसका विचार है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी। ऑप्शंस दिए गए हैं ल्यूवर्थ, रॉबर्ट इपाक, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मेन। क्या होगा सही? ग्राम नगर सातत्य के जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड की ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, और इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द फोक कल्चर ऑफ यूकाटन है ना, द फोक कल्चर ऑफ यूकाटन है, एक बुक है इनकी द लिटिल कम्युनिटी है ना, द लिटिल कम्युनिटी, फिर पीजन सोसाइटी एंड कल्चर है बुक, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये सारी बुक्स किसकी हो जाएंगी? रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया। अब यहाँ पर स्टडी की बात हो रही है, अध्ययन की बात पूछी जा रही है, इनमें से किसने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरेड, एस सी दुबे। एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरेड, एस सी दुबे ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? लघु और वृहद परंपराओं का जो अध्ययन है वो इनमें से किसने किया है? किसने स्टडी की है? मैकम मेरेड। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं कोजर द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, मिल्स द्वारा, या फिर स्मॉल द्वारा। संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, कॉन्फ्लिक्ट की जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी दी थी वो किसने दी है? कोजर ने दी है ना, कोजर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर। दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास हुआ है, ये इनका कहना था। समाज के दो प्रकार, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, इन्होंने बताए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, निम्न में से यह कथन किसका है। ऑप्शन है गिलेन एंड गिलेन, ए डब्ल्यू ग्रीन, एम जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज। गिलेन एंड गिलेन, ए डब्ल्यू ग्रीन, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज। देखिए कहीं कहीं पर गिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग दिया होता है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो कहीं जहाँ पर भी जीवन है, जहाँ कहीं पर भी जीवन है वहाँ सोसाइटी है, ये किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।